गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सबको पता है आपके 25 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमारे थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसमें हम सेकंड एंड थर्ड चैप्टर को इसमें लेंगे। तो रिवीजन वर्क हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट में जो है कि मैं सेकेंड चैप्टर का रिविज़न ले रही हूँ। तो टिक द करेक्ट आंसर। द रेंज इज़ द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। इसमें टिक द करेक्ट आंसर जो आपके है वो आपको नोटिस करना है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, द रेंज इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, काराकोरम, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालय। तो कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? हिमालय। सेकंड, ए रो ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड ए पास, पीक, रेंज। तो क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। एंड थर्ड, इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट, K2, नंदा देवी। तो आपको पता है ना, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट का ए है इसका करेक्ट आंसर। एंड फोर्थ का, इज अ फेमस हिल स्टेशन ऑफ मिडल हिमालयन रेंज। कौन सा है? मनाली है, मुनार है, क्या पंचमाहरी है? तो कौन सा है? मनाली है। ओके, तो मनाली, मुनार, पंचमाहरी, तो इसमें से हमारा है मनाली है। तो ये आपको फर्स्ट ए पे ही फोकस करना है। फिफ्थ, द फुट हिल ऑफ द आउटर हिमालयस इज नॉन एज बंगर, खादर, तेराई। तो यानी तराई वाला, तो बांगर है, खादर है, क्या तराई है? तो कौन सा इसमें? तराई है। ओके, बीट राइट ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स है। फर्स्ट, माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज द सेकेंड लार्जेस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट गॉडविन ऑस्टिन है जो सेकेंड लार्जेस्ट पीक है इन द वर्ल्ड। तो यस, ट्रू। द वर्ड हिमालय मीन्स अबॉड ऑफ वाटर, फॉल्स। जो वर्ड हिमालय का अबॉड ऑफ वाटर है, नो, फॉल्स है ये। द मिडल हिमालयन रेंज इज ऑल्सो नोन एज द हिमाचल, ट्रू। ओके, तो क्या कहते हैं? हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ट्रू है। जोजिला इज एन इम्पोर्टेंट पास इन द हिमालयस, यस, ट्रू। ओके, तो आपके इनको अच्छे ढंग से इसको वॉच करना है। द वर्ड लॉ मीन्स वैली, नो, फॉल्स। सिक्स, मैनी ऑर्चर्ड्स ऑफ एप्पल्स, प्लम्स, पीचेस, पियर, चेरीज एंड ऑलमंड्स आर सिचुएटेड इन द ग्रेटर हिमालयस, नो, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम ए, कॉलम बी। फर्स्ट, मिडल हिमालयस। तो मिडल हिमालयस को क्या कहा जाता है? हिमाचल। ओके, आउटर हिमालयस को क्या कहा जाता है? शिवालिक। मिडल हिमालयस, हिमाचल, यानी सी वाला जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे सी पे है, आपने पहले से लगा रखा है इसको, तो सी पे, तो हिमाचल कहा जाता है। एंड आउटर हिमालयस शिवालिक कहा जाता है, ए वाला पोर्शन। K2 है, उसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ है बछेंद्री पाल, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। बछेंद्री पाल कौन है? द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, बी। एंड फाइव है टेरेस फार्मिंग, द टाइप ऑफ फार्मिंग डन ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। द टाइप ऑफ फार्मिंग डन ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। ओके, तो फिफ्थ का कौन सा होगा? डी, द टाइप ऑफ फार्मिंग डन ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। ओके स्टूडेंट, तो इसको आपको ढंग से वीडियो को वॉच कर लेना, ताकि आपके कम्प्लीटली सारी चीज़ें आपको लर्न हो जाए। अब नेक्स्ट है हमारे आंसर दिस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच माउंटेन रेंज फॉर्म द नॉर्दर्न माउंटेन्स। जो माउंटेन रेंजेज है वो फॉर्म क्या करती, बनाती है? तो नॉर्दर्न माउंटेन्स से कौन सी है वो श्रृंखलाएँ, कौन सी है? द नॉर्दर्न माउंटेन्स फॉर्म द हिमालयस, काराकोरम एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेज। नॉर्दर्न माउंटेन्स फॉर्म द हिमालयस, काराकोरम एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेज। ओके, तो ये हिमालयस, काराकोरम और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन को आपको याद रखना है। सेकेंड, डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स। क्लाइमेट के बारे में बताना है कि कैसा क्लाइमेट है वहाँ का। तो इट हैज ए कॉल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। ओके, इट हैज ए कॉल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। तो ये आपको ये वर्ड याद रखना है, कॉल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। ओके, थर्ड, व्हाई इज पास एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए रेंज, हाउ डज इट हेल्प ह्यूमंस।
तो क्या है आंसर? द पास इज अ ग्रेट वे टू क्रॉस द माउंटेन रेंज, सो इट इज यूजफुल फॉर ह्यूमंस. द पास इज अ ग्रेट वे टू क्रॉस द माउंटेन रेंज. ये पास यानी मतलब रास्ता से मतलब है, तो एक अच्छा तरीका होता है ताकि माउंटेन श्रृंखलाओं को क्या किया जाए, क्रॉस किया जा सके. सो इट इज यूजफुल फॉर ह्यूमंस. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द नॉर्दर्न माउंटेन्स कॉज रेनफॉल इन आवर कंट्री. आंसर, द नॉर्दर्न माउंटेन्स फॉर्म ए बेरियर फॉर द मानसून विंड्स. द नॉर्दर्न माउंटेन्स फॉर्म ए बेरियर फॉर द मानसून विंड्स. ओके, तो बेरियर फॉर द मानसून विंड्स. फिफ्थ, राइट एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयन रेंज. आंसर क्या है इसका? दे एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग आवर बॉर्डर्स. दे एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर्स प्रोटेक्टिंग आवर बॉर्डर्स. सेकंड, दे प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स ऑफ नॉर्दर्न एशिया फ्रॉम एंटरिंग आवर कंट्री. दे प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स ऑफ नॉर्दर्न एशिया फ्रॉम एंटरिंग आवर कंट्री. Six, define the following. Valley. A valley is a low-lying area between two hills or mountains. A valley is a low-lying area between two hills or mountains. Second, B है जो तराई है हमारी. Dense forest cover the lower slopes of the Himalayas. This area is called the तराई. Dense forests cover the lower slopes of the Himalayas. और इसी एरिया को हम क्या कहते हैं? तराई कहते हैं. C, glacier. Glacier is slow moving river of ice. Glacier is slow moving river of ice. Pass. A route through a mountain range is called a pass. A route. मतलब एक route जो रास्ता है through a mountain. एक के जरिए जो रास्ते पर्वतों के श्रृंखला के सहारे इस कॉल्ड ए पास गुजरा जाता है या गुजरता है उसे हम पास कहते हैं. तो ए रूट थ्रू ए माउंटेन रेंज इज कॉल्ड ए पास. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर है उसको हमने कम्प्लीटली आज हमने रिविजन वर्क में लिया है. तो आपको अगेन अगेन इसको वॉच करना है और कम्प्लीटली इसको सबको आपको क्लियर कर लेना है. ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू.